अगर फ्रेंड्स आपके पास है वन प्लस का नॉट सी ई टू लाइट और आपको इस फोन में करना है अपनी रिंगटोन सेटिंग, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे सेट कर सकते हैं। इस फोन में कोई गाना वगैरह आपने डाउनलोड करके रखा है, आप सेट करना चाहते हो उसको फाइल से, तो मैं आपको बताऊंगा वो कैसे कर सकते हैं। या फिर आप ये चाहते हो यहाँ पे आपकी जो रिंगटोन वॉल्यूम है, आपकी कॉल वॉल्यूम, नोटिफिकेशन साउंड वॉल्यूम वगैरह, ये आप कैसे सब चेंज कर सकते हैं, इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो करना क्या होगा उसके लिए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स फोन की सेटिंग में जाइए, सेटिंग को ओपन कीजिए, यहाँ से हल्का सा स्क्रॉल करके आपको देखने को साउंड एंड वाइब्रेशन, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहां पे आप देख सकते हैं आपको वॉल्यूम के जो कंट्रोल्स हैं वो देखने को मिलेंगे। तो मीडिया वॉल्यूम कितना रखना है उसको सेट कर सकते हैं, रिंगटोन का वॉल्यूम कितना रखना चाहते हो उसको सेट कर सकते हो, इसके बाद नोटिफिकेशन है और अलार्म साउंड भी है, जो भी आपको रखना है यहां से आके उसको सेट कर सकते हैं और बहुत आसानी से आपका ये सेट हो जाएगा। यहां से स्क्रॉल करेंगे तो रिंगटोन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जब आप इस पर सेलेक्ट करते हैं तो सिम बन की रिंगटोन आप यहां से चेंज कर सकते हैं, कौन सी रिंगटोन रहेगी आपकी वो आप यहां से लगा सकते हैं सिम बन के लिए। अगर आपको सिम टू चेंज करना है तो सिम टू पर चेंज क्लिक करके आप टू की भी आप चेंज कर पाएंगे, इस तरह सिम वन और टू की चेंज कर सकते हैं। अगर फाइल से आपको ये सेट करना है तो उसके लिए सबसे टॉप पर ये आपको देखने को मिल जाएगा, यहां पे देख सकते हैं सेलेक्ट फ्रॉम फाइल, सिंपली अब आपको इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपके फ़ोन में जो भी गाने वगैरह रहेंगे वो सभी देखने को मिल जाएंगे। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से वो रिंगटोन सर्च करनी है जिसको आप लगाना चाहते हो, तो यहाँ पे लगाने के लिए सिंपल इस तरह से उस पर क्लिक करना है। जब आप इस तरह से क्लिक कर देते हैं तो यहाँ से आप देखेंगे वापस आएंगे तो आपकी रिंगटोन फाइल से सेट हो जाती है। तो इस तरह से आप रिंगटोन की फाइल को सेट कर सकते हैं, मतलब रिंगटोन से फाइल को लगा सकते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ से बैक आ जाइए, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वाइब्रेट ऑन रिंग। अगर आप इस फीचर को इनेबल रखेंगे तो आपके फ़ोन पर कोई भी कॉल्स वगैरह आती तो आपका फ़ोन वाइब्रेट होगा और साथ के साथ रिंग भी हो जाएगा। तो इस फीचर को जरूर से इनेबल कीजिए, जो कि आपको पता चले कि आपको फ़ोन पर कॉल आ रही है किस टाइम, इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हैप्टिक्स एंड टून्स, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको वाइब्रेट ऑन टच का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, या अगर आप इसको डिसेबल करेंगे तो बैक बटन होते समय आपको जो वाइब्रेट फील होता है वो बंद कर पाएंगे। इसके साथ डायल पे टून की जो ऑप्शन है वो भी देखने को मिलेगा, मतलब जो नंबर आप डायल करते हैं तो आपको एक आवाज़ आती है उसको बंद करना है, तो यहाँ क्लिक करके उसको बंद कर सकते हैं। लॉक स्क्रीन पर जो साउंड आता है आपका स्क्रीन लॉक करते हैं तो आपको एक आवाज़ आता है उसको बंद करना है, तो यहाँ क्लिक करके बंद कर सकते हैं। इनको अपने हिसाब से बंद और चालू कर सकते हैं, स्क्रीन साउंड है, डिलीट साउंड है, इस सब तरह के आपको साउंड देखने को मिल जाएंगे। जो भी आपको बंद और चालू करना है यहाँ आके उसको बहुत आसानी से आप सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप इस फोन में रिंगटोन सेटिंग को कर पाएंगे। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी, फिर से लगाओ तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।